अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू. दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ SST ऑफ दिस वीक. टुडे इज ट्यूजडे. आपके राइट साइड पे ट्यूजडे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे डेट 23rd June 2020 लिखा हुआ है. आज हम रीडिंग करेंगे आर हाउसेस की. ठीक है, आपका ये यूनिट नंबर 1 है. पेज नंबर ओपन पेज नंबर 4. ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 4. ठीक है, हाउसेस. हाउसेस इज अ प्लेस वेयर अ पर्सन और अ फैमिली कैन लिव. आपने उंगली रखनी है. पुट योर फिंगर्स ऑन द बुक. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्ड हाउसेस टू लिव इन. दे कीप थिंग्स सेफली इन देयर हाउसेस. इवन बर्ड्स एंड एनिमल्स मेक देयर हाउसेस टू लिव इन. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि हर कोई दुनिया में, वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोग, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्ड हाउसेस बनाते हैं अपने घर को रहने के लिए, जहां पर वो चीजें जो है वो रख सकें. इवन ये कि बर्ड्स, जैसे कि चुड़िया या कौवा, वो घोंसला नेस्ट बनाते हैं. शेर भी अपना घर बनाते हैं गारों में. ठीक है, बंदर जो है वो ट्रीज पे रहते हैं. तो तमाम एनिमल्स, तमाम दुनिया के लोग जो है वो घर बनाते हैं. तमाम जानदार, तमाम जानवर जो होते हैं वो घर बनाते हैं अपना रहने के लिए. ठीक है, जहाँ वो अपने बच्चों को रखते हैं जब वो छोटे होते हैं. अब हम डिफरेंट हाउसेस पढ़ेंगे. ठीक है, आप देखिएगा, ये आपके पास है विलेज हट. वो नजर आ रहा होगा विलेज की पिक्चर आप लोगों को. आ रही है आप सबको विलेज की पिक्चर नजर? ठीक है, आप देखिएगा जरा सा. इट इज अ विलेज हाउस. इट इज मेड अप ऑफ मड. मड यानी मिट्टी से बना होता है. इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सादा सा होता है. इट हैज ओनली वन स्टोरी. एक बिल्डिंग हो, मतलब डबल और ट्रिपल स्टोरी नहीं होती, सिंगल स्टोरी होती है. और इट इज नॉट वेरी बिग, ये बड़ा भी नहीं होता. एंड इट हैज टू रूम्स एंड अ कंपाउंड. ओपन कंपाउंड आपको नजर आ रहा होगा बड़ा सा. ठीक है, ग्रीन ग्रीन सा. इसके अलावा इट हैज नो किचन. और देर आर नो टू स्टोरी हाउसेज, दो स्टोरी के हाउसेज नहीं होते. और जो वुमेन होती हैं, जो औरतें होती हैं, वुमेन कुक्स जो पकाती हैं, वो ओपन में पकाती हैं. ओपन यानी खुले में खाना पकाती हैं. ये देखा आपने विलेज का घर? देखा ना कैसा है विलेज का घर? ये मिट्टी से मिलकर बना, मिट्टी से बना हुआ होता है. ये आपका बैंगलो है. ठीक है, बैंगलो जो है वो शहरों में होता है. ठीक है, इसमें क्या है? दिस इज अ हाउस इन अ सिटी. इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट से मिलकर बनता है. इट हैज टू स्टोरीज. इट इज अ बेडरूम, अ डाइनिंग रूम, बाथरूम एंड किचन. इट हैज स्मॉल गार्डन और यू कैन सी स्मॉल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन द गार्डन. आपको देखिए गार्डन में नजर आ रहे होंगे के यहाँ पर फ्लावर्स भी होते हैं गार्डन में. और ये टू स्टोरी बिल्डिंग होती है और यहाँ पे बेडरूम भी ज्यादा होते हैं, डाइनिंग रूम होता है, बाथरूम होता है, किचन भी बनाया हुआ होता है इन लोगों ने. ठीक है, तो आज जो था हमारा चैप्टर था क्लास टू हाउसेस के मुतल्ले. और आपने इसमें पढ़ा कि दुनिया में तमाम लोग, इंसान और जानवर भी जो है वो घर बनाते हैं. बर्ड्स भी घर बनाती हैं और मुख्तलिफ तरीके के घर होते हैं. कुछ घर झोपड़ियों जैसे होते हैं, कुछ बंगलों जैसे होते हैं. ठीक है, विलेज के घर और सिटी के घर होते हैं. और घर जो होते हैं वो लकड़ी का भी बनता है, सीमेंट का भी बनता है, और स्टील मतलब जहाँ पर लोहे का इस्तेमाल होता है उनसे भी घर बनते हैं. तो ये जो पूरा चैप्टर है आपका वो घर के बारे में है. तो आज के लिए हमारी रीडिंग है. आप सबने इसकी प्रॉपर रीडिंग करनी है. फिर कल मैं आपको नेक्स्ट उसमें मैं आपको इसका काम बताऊंगी कि काम क्या करना है. ठीक है, आज के लिए आपका लेक्चर इतना ही. थैंक यू.